Hi friends, welcome to Linux Fork. My name is Chandan. And friends, इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग रिसोर्सेज को मूव करते हैं दूसरे रिसोर्सेज ग्रुप में. ओके, एक रिसोर्स ग्रुप से दूसरे रिसोर्स ग्रुप में हम कैसे जो भी रिसोर्सेज डिप्लॉय करते हैं, लाइक VM, स्टोरेज अकाउंट, ये चीज़ें हम कैसे मूव करते हैं. एक चीज़ और गाइज, कुछ डिपेंडेंसी भी होता है. लाइक सपोज ये VM हमारा रनिंग है, अगर इस VM को हम बैकअप ले लेते हैं, या फिर मान के चलो किसी भी तरीके से अगर इस VM के ऊपर अगर कोई भी डिपेंडेंसी आती है, चाहे तो बैकअप हो या फिर कोई ऐसा एक्सटेंशन इसमें इंस्टॉल्ड है बट वो अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है या मूव नहीं हो रहा है, किसी भी कारण से अगर कुछ भी डिपेंडेंसी आता है तो ये मूव नहीं होगा. तो उस कंडीशन में आपको पहले उसको डिसेबल करना पड़ेगा, तब आप मूव कर सकते हो. क्योंकि अगर ये सिंपल VM है मूव करना तो इजी है. तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा गाइज, जब भी आप रिसोर्सेस को मूव करने जा रहे हो दूसरे रिसोर्स ग्रुप में, आप उसका डिपेंडेंसी और प्रीरिक्विजिट आप रीड आउट कर लो डॉक्यूमेंट से. ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपल VM को मूव करने जा रहा हूँ एक दूसरे रिसोर्स ग्रुप में. ओके, सो अगर हम रिसोर्स ग्रुप पे जाए यहाँ पे, ठीक है, ये है RG डेमो. ओके, इसके अंदर हमारे सारे रिसोर्सेस पड़े हैं VM से रिलेटेड, OS डिस्क, VM, पब्लिक IP, NSG, निक कार्ड एंड VNet. ओके, तो ये सारे रिसोर्सेस है हमारे VM से रिलेटेड. ओके, तो हम इसे मूव करेंगे. इसके लिए हमें एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है, ठीक है, जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ. आप नेम दे दो अपने अनुसार, ठीक है. RG टेस्ट मैं नेम दे रहा हूँ, मीन्स डेमो से टेस्ट में मैं मूव कर रहा हूँ रिसोर्सेज को. ओके, जस्ट क्रिएटेड. फ्रेंड्स ये वेरी क्विक वीडियो है फ्रेंड्स. ओके, सो इफ यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. ओके, जस्ट दिस इज वन अ स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड. ओके, and let's see how we can move it. Okay, so just go to demo, आप select कर लो. यहाँ पे एक hidden है, so hidden option दिया हुआ है, उससे उस कई बार hidden कुछ items होते हैं, so आप इसको checkout कर लेना, ठीक है. अब हमें सारे resources को select कर लेने हैं, जो मान के चलो storage account है या कोई भी चीज़ है, जो भी dependency है वो सारे रिसोर्सेज को हमें सिलेक्ट करना है. ओके, जैसे VM से रिलेटेड सारे कंपोनेंट को हमने सिलेक्ट किया. सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है. यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मूव, ठीक है. मूव के बाद वहाँ पे जाने के बाद, वन मिनट गाइस, जस्ट गिव मी वन मिनट. अब जस्ट क्लिक करो मूव पे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है मूव टू अनदर रिसोर्स ग्रुप, जस्ट क्लिक ऑन दैट. ठीक है, यहाँ पे RG डेमो, ठीक है. इसके बाद आपको मूव कहाँ करना है उस रिसोर्स ग्रुप को सिलेक्ट करो, RG टेस्ट, ठीक है. नेक्स्ट जाओ, यहाँ पे आपको वैलिडेशन करेगा, सारे वैलिडेशन करने के बाद ही हम नेक्स्ट जा सकते हैं. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पेंडिंग वैलिडेशन. तो गाइज ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा, आपको 10 से 15 मिनट टाइम लेगा, कई बार जल्दी भी हो जाएगा, बट मान के चलो कि 10 से 15 मिनट वैलिडेशन में टाइम लेगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे. सो फ्रेंड्स, एज वी कैन सी द वैलिडेशन इज सक्सीडेड. ओके, सो वैलिडेशन हो जाने के बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है. ओके, यहाँ पे आपको चेकआउट करना होगा, इसके बाद आप क्लिक करो मूव. तो ये हमारा जो भी 6 कंपोनेंट था यहाँ पे VM से रिलेटेड, वो हमारा टेस्ट RG टेस्ट रिसोर्स ग्रुप में मूव आउट हो जाएगा. तो हम लोग वेट करते हैं, ये थोड़ा टाइम लेगा, अगेन इट विल टेक अबाउट 10 to 15 मिनट. ओके,
So let's wait for that. So friends, as we can see, the movement of resources, it's completed. Okay, moving resources, it's completed. Now let's go in, just refresh here. You will see nothing is here, right? As you can see, go to test. यहाँ पे सारे रिसोर्सेस आ गए. अब आप जस्ट क्लिक करो VM पे एंड VM अप एंड रनिंग, ऑल द थिंग्स इज फाइन. ओके, सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो. ओके, सो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो. ओके, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइज. ओके, and thank you for watching guys again. Okay, thanks guys.